जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब जी? सोके उठे हैं और अच्छे से आप लोगों ने टीथ ब्रश किए हैं, मुंह धोया है, नाश्ता कर लिया है और उसके बाद बैठे हैं पढ़ने। बिल्कुल जनाब, पढ़ने बैठे हैं। और हमने क्या किया है अपनी पिछली वीडियो में, अपनी चार आवाजें जो हमने नई आवाजें सीखी थी, उनके नाम सीखे थे, उनका अच्छे से मश्क की थी, है ना? तो आपने उम्मीद करते हैं सारा काम मुकम्मल कर लिया होगा। कर लिया है काम? अच्छा जी, कहीं कहीं आपको जो है नुक्तों में मसला हो रहा है कि किसके नुक्ते कितने होते हैं, कौन सी आवाज के, क्योंकि सब में नुक्ते हैं ना, किसी में एक नुक्ता है, किसी में दो, किसी में तीन। हाँ, तो ये तो है। चले आज इसकी मश्क कर लेते हैं, इसको भी अच्छे से याद कर लेते हैं, ठीक है जनाब? उसके लिए खोलते हैं अपनी किताब, उर्दू सिलसिला साल दो की किताब खोल लीजिए। सफा नंबर 12 यहाँ पे खुल चुका है, आज भी ये सफा अपने पास खोल लें, ठीक है जनाब? अच्छा जी, सफे की एक जानब मौजूद है बारीक सी लकीर, वहां पे लिखेंगे आज की तारीख। तो आज की तारीख लिख लीजिए। सफे की दूसरी जानब कितनी तस्वीरें मौजूद हैं, जल्दी से गिन के बताइए। दो तस्वीरें मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक, दो तस्वीरें मौजूद हैं, यानी कितने काम करने हैं सफे पे? दो काम करने हैं। क्या काम करने हैं, आइए देखते हैं। पहली तस्वीर में पैसे से कुछ लिखा जा रहा है, यानी कि लिखिए। और दूसरी तस्वीर में मानवेली पे रंग भरा जा रहा है, यानी कि रंग भरिए। दो काम करेंगे, लिखिए और रंग भरिए, ठीक है जनाब? अच्छा, इसमें ये है, इसमें क्या काम करना है पहले समझिए अच्छे से। कुछ तस्वीरें दी गई हैं, ठीक है? तस्वीरों की हमने शुरू की आवाज पहचाननी है, पहचान ली आपने। इसके बाद यहाँ पे नुक्तों की शक्ल में इनकी जो है एक शक्ल लिखी गई है, लेकिन नुक्ते नहीं दिए गए हैं। जिसमें मसला हो रहा था ना आपको नुक्ते का, वो नुक्ते नहीं दिए गए। अब आप खुद से पहचानिएगा, इसकी नजम पढ़िएगा, तो आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा और याद आ जाएगा कि किसमें कितने नुक्ते होते हैं, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं कैसे काम करना है। ये है बंदर, बंदर, बंदर की शुरू की आवाज ब, बंदर की शुरू की आवाज ब, शाबाश, बंदर की शुरू की आवाज ब है। तो हम यहाँ पे ब लिखेंगे, इस पे पहले नुक्तों पे पेंसिल फेरिएगा, उसके बाद नुक्ता लगाइएगा। ब में कितने नुक्ते होते हैं बताइए, याद करें नजर। बंदर, बत्तख, बिल्ली, खाला, ब के नीचे नुक्ता डाला। जी जनाब, ब के नीचे एक नुक्ता आएगा, तो हम यहाँ पे एक नुक्ता लगा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास पंखा मौजूद है, ये है पंखा, पंखा, पंखा की शुरू की आवाज क्या है जल्दी से बताइए मुझे। जी, पंखा की शुरू की आवाज है प, प। यहाँ पे हम इस पे दो नुक्तों पे पेंसिल फेरेंगे, उसके बाद नुक्ते लगाएंगे। भाई प के कितने नुक्ते होते हैं जल्दी से नजम पढ़िए। प से पत्ता, प से प्याला, तीन छोटे से नुक्तों वाला। जनाब, इसमें आते हैं तीन छोटे नुक्ते, तो आपने यहाँ पे नीचे तीन छोटे नुक्ते लगा दिए हैं, ठीक है जनाब? अब यहाँ पे क्या है, पलंग, 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 पलंग की शुरू की आवाज क्या है भाई? प पलंग, प पलंग, प पलंग, बिल्कुल। अब पलंग में हमने शुरू में प लगाया, प में अभी हमने देखा था कितने नुक्ते आ रहे हैं, तीन नुक्ते आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे तीन नुक्ते लगा देंगे, ठीक है? पहले आप पेंसिल फेरिएगा और प पे तीन नुक्ते नीचे लगा दीजिएगा, अच्छे से सही से नुक्ते लगाने, ठीक है? ये है टमाटर, 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 टमाटर की शुरू की आवाज क्या है भाई जल्दी से बताइए। टमाटर, टमाटर, और टमाटर पे नुक्ते आते हैं कि क्या आता है भाई, छोटी तो है। इसकी नजम याद है ना क्या थी भाई, ट से टमाटर, खा लो आज, छोटी तो है ट का ताज। तो हमने ट पे जो है छोटी तोय लगा देनी है, ठीक है? इसके बाद है ये बिल्ली, बिल्ली की शुरू की आवाज ब, बिल्ली की शुरू की आवाज ब। अभी हमने पढ़ा था ना, याद है कि हमने ब के नीचे एक नुक्ता लगाना है, हमने नजम भी पढ़नी है, नहीं याद है तो नजम पढ़ लीजिए इसकी, इसी नहीं कहते हैं नजम पक्की पक्की याद होनी चाहिए। अब आपने ब के नीचे एक नुक्ता लगा दिया, ये है तरबूज, तरबूज, तरबूज की शुरू की आवाज क्या है, तरबूज, तरबूज, तरबूज। अब भाई त पे कितने नुक्ते लगते हैं या नीचे लगते हैं, क्या होता है भाई, इसकी नजम याद कीजिए, क्या थी नजम, हाथ उठाओ ताली बजाओ, दो नुक्ते तो पे लगाओ, या
नारी के दोनों ते त पे लगने हैं, तो आपने पेंसिल फेर ली एस की शक्ल पे और त पे दो नुक्ते लगा देने हैं। शाबाश। ये है टीवी, टीवी, टीवी की शुरू की आवाज ट, टीवी की शुरू की आवाज ट, और हमने अभी पढ़ा था अपनी नजम में कि ट के ऊपर छोटी तोय लगती है, तो हम यहाँ पे ट पे छोटी तोय लगा देंगे। ये है तीतर, तीतर, तीतर की शुरू की आवाज त, तीतर की शुरू की आवाज त, और त पे कितने नुक्ते लिखते हैं? बिल्कुल, अभी हमने नजम पढ़ी थी ना, दो नुक्ते त पे लगाओ, शाबाश, तो हमने यहाँ पे दो नुक्ते लगा देने हैं। अब हमने अच्छे से पहचान कर ली के बंदर की शुरू की आवाज ब, पंखे की शुरू की आवाज प, पलंग की शुरू की आवाज प, टमाटर की शुरू की आवाज ट, बिल्ली की शुरू की आवाज ब, तरबूज की शुरू की आवाज त, टीवी की शुरू की आवाज ट, और तीतर की शुरू की आवाज त है। और हमने पहचान भी कर ली नुक्तों की, और नुक्तों की पहचान कैसे की थी हमने नजम पढ़ के, हमने नजम पढ़ते गए और हमें समझ में आता गया कि किस पे कितने नुक्ते आएंगे, किसके नीचे नुक्ते आएंगे या फिर छोटी तोय आएगी। अब आपने क्या करना है, काम मुकम्मल करने के बाद रंग भरना है, पेंसिल निकाल लीजिए, अच्छे से शॉर्प कीजिए, नोक बनाइए बारी बारी, हर तस्वीर पे अच्छे से रंग कीजिए। रंग करते हुए ख्याल रखें तस्वीर से रंग बाहर नहीं जाए, ऊपर नीचे कीजिए, दाएं बाएं नहीं कीजिए। काम शुरू करने से पहले वीडियो को 2 से 3 दफा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद काम शुरू कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम करना है। काम मुकम्मल करने के बाद घर में मौजूद किसी भी बड़े को काम चेक जरूर करवाइएगा, उसके बाद अपने काम की पिक्चर अपने टीचर को सेंड कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।